इंटरेस्ट कितना ले सकते हैं, मतलब कंपनी कितना दे सकती है, और कौन सी एरिया पर मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या है। सर नहीं पता मुझे तो इसका आंसर। आप बता दीजिए। कॉल्स इन एडवांस पे तो 12% है मैक्सिमम, ठीक है सर। और कॉल्स इन एरियर पर 10% है। क्लास निधि मैम सर आप कुछ जोड़िए मैम। यस निधि आपको पता तो कुछ जोड़ दीजिए। जी गुड आफ्टरनून सर। सर, प्रहलाद सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मोनिका के क्वेश्चन के बाद पूजा प्रहलाद से, या प्रहलाद आप पूजा से पूछना, वो हिंदी सब्जेक्ट की है। यस कम सर ऑन। एक स्टूडेंट है जिसने चौक मार दिया किसी टीचर को, देन आप उस क्लास के क्लास टीचर हैं, उस टीचर को पता नहीं लगा किसने चौक मारा है, वो आके आपको ब्लेम करते हैं कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करते हैं, तो आप कैसे अपनी क्लास को मॉनिटर मैं देखिए, ऐसा है कि पहले तो डिपेंड करता है कि क्लास कौन सी है। अगर प्राइमरी लेवल की है तो उसका सिचुएशन अलग हो सकता है, अपर प्राइमरी है तो उसका अलग हो। जैसे कि प्राइमरी लेवल के बच्चे जो है थोड़ा सा शरारती होते हैं, टीजीटी और मान लीजिए अगर वो, हाँ जी, सर टीजीटी लेवल की क्लास है। अच्छा टीजीटी लेवल की है, तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि बच्चे ने जानबूझ करके उद्दंडता की है ऐसा। तो सबसे पहले तो हमें उस टीचर को लेकर के क्लास में जाना चाहिए जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, और उस बच्चे को पता करना चाहिए बच्चा कौन था, और उसका रीजन उससे पूछना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया। अगर किसी कारण से किया होगा, जैसे मान लीजिए टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, कुछ सवाल पूछ रहा था, तो वो भी बता सकता है। या मान लीजिए उसने जानबूझ करके ऐसा किया है, तो उसके लिए एक उचित पनिशमेंट जैसे प्रिंसिपल से बात करके या फिर उससे अभिभावक को बुला करके उसको समझा बुझा सकता है कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, ये क्लास है, हम बच्चे पढ़ने आते हैं, आप ऐसा करेंगे तो फिर सारे बच्चे ऐसे करने लगेंगे, माहौल खराब होगा। बेसिकली समझा बुझा करके हम उसको कर सकते हैं, जहां तक मेरा मानना है। वेरी गुड। यस सर। पूजा मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैम जी सर। मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, और मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने एक स्टूडेंट को देखा कि वो सिगरेट पी रहा था, तो फिर मैं क्लास में आके कैसे ट्रीट करूँ कि वो बच्चा सिगरेट ना पिए, उसके प्रति अवेयरनेस हो जाए कि हाँ क्यों, कि उससे क्या बेनिफिट है, मतलब कि क्या उसका डिसएडवांटेज है, सॉरी, तो मैं इसे किस जी प्रकार से समझाऊंगा। सर सबसे पहले तो हमें उस बच्चे को उस मतलब सिगरेट पीने से मना करने का बच्चा ही समझाना है उसको कि ये गलत है, और उसके बारे में बताना कि उसको यूज मतलब इसका उपयोग करने से हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, गलत इफेक्ट होता है, हमें मतलब बीमारी हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं इनसे, और हमें वहां पर आस पास ये देखना है कि बच्चे आस पास ऐसी कोई दुकान है जैसे खुली हुई है, तो उन जो दुकानदार उनसे बात करनी है, उनसे अपन को आप इस तरह की चीजें मतलब नहीं बेचें जैसे बच्चों पर गलत प्रभाव जा रहा है, अगर स्कूल के आसपास चीजें नहीं एकदम बेचेंगे तो बच्चे वहां यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें बच्चों को भी समझाएंगे और आसपास के माहौल को भी देखेंगे, इस तरह से हम बच्चों को रोक सकते हैं। मैडम, आप पूरी क्लास के सामने उस बच्चे को समझाएंगे, पूरी नहीं क्लास के मैम, बच्चे को अलग से, उस बच्चे से बात करेंगे। के बारे में जी मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ। इंडिविजुअल मैम तरीके से आवाज कट सर रही है कहा आपकी। कि इंडिविजुअल तरीके से वो सिगरेट पी रहा है, मतलब उन्होंने बाहर देखा है कि सिगरेट पीते हुए उस बच्चे को। तो आप उसे जी पर्सनली आप बाहर बुलाएंगे सर, और पर्सनली कहेंगे कि आपको मैंने ये नहीं कहेंगे कि आप डायरेक्ट भी कह नहीं सकते हैं कि तुम सिगरेट पी रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे, आप डांट भी नहीं सकते हैं। आप उसे पहले बाहर बुलाएंगे बिल्कुल और बोलेंगे कि ये बताओ सिगरेट पी क्यों रहे हो, रीजन क्या है, तुम्हें सिगरेट पीने की आदत कब से पड़ी, उसके आदत के बारे में जानेंगे, ऐसा क्यों हुआ। फिर उसके बाद उसके गहराई तक जाएंगे और उसको फिर छुड़ाने के लिए जो भी बातें करनी है हम करेंगे। क्योंकि आम बात है कि सिगरेट पे लिखा रहता है कि धूम्रपान जो है सेहत के लिए हानिकारक है, सभी लोग पढ़ते हैं पर इग्नोर करते हैं, तो बिल्कुल। समझाने से जो बहुत बेटर हो सकता है। ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर आप अच्छे से जानते होंगे कि यस इन चीजों के ऊपर बहुत बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए होते हैं, और आप उन पोस्टर सर को अपने लेवल पे और बड़ा भी कर सकते हैं। टुडे इज अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड एवरीथिंग, तो आप उसका बड़ा पोस्टर लेकर, जो आप जानते हैं कि कैंसर वगैरह कितना खतरनाक दिखाते हैं, वो ऑरल कैंसर का, ऑल दिस सिक्स, तो आप उस पोस्टर को लेकर बोर्ड पर लगाकर किसी दिन बहुत अच्छे से एक एक बच्चे को बराबर उसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल, उसके बाद मैं यकीन दिलाता हूँ आपको बच्चों में ये पक्का भय बैठ जाएगा, बराबर डर होगा उनको कि हाँ ऐसी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, और जितनी जल्दी करनी है उतना बढ़िया रहेगा। बाकी आप सबने अच्छे पॉइंट्स दिए, पर उसको थोड़ा यस और वेल कर सकते हैं हम। सोनी मैडम और हमारे यहाँ पर पूजा है और प्रहलाद है, आप प्लीज हिंदी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन एक दूसरे से पूछिए। बाकी आदित्य आप कंटिन्यू रहिए, मैथ्स आपके पास राम होगी। किशोर सर। यस।
अब इतना देर मत लगाओ मिस्टर जी, अपने क्वेश्चन को मेरा फटाफट सर एक पूछो क्वेश्चन वरना है पूछो, सर, मैं राम आपको पूछ किशोर लेंगे। सर, कि बोलिए। जैसे कुछ बच्चे लाइब्रेरी में आए सर और लड़ते लड़ते कुछ बुक का पेज फाड़ दिए सर, तो हम क्या करेंगे सर? पेज फाड़ दिए तो इसे सबसे पहले तो समझाएंगे ही, अगर पेज फाड़ दिए लेकिन फिर भी पेज फाड़ रहा है तो उसके लिए हम उसकी डबल कॉपी रखेंगे या ई बुक्स को व्यवस्था रखेंगे जो कि ई बुक्स दे सके उसको। आप उन पर फाइन वगैरह नहीं तो लगाएंगे कुछ रामकिशोर? फाड़ से कहना ऑलरेडी पेज दो सर, नेक्स्ट का क्वेश्चन ही है कि बुक का पेज नमस्कार। फाड़ दिया सर। ओके क्या बोल रहे हैं आप? हाँ तो बुक फाड़ दिया तो, अब तो ठीक है, फाड़ बुक दिया तो उसको कुछ नहीं कर नहीं सकते फाड़े सर, लेकिन। पेज एक दो फाड़ दिए हैं सर, दो तीन। हाँ ठीक है, तो पहली बार उन्होंने फाड़ा है ना, अगर अगर एक बच्चा पहली पहली बार उन्होंने फाड़ेगा फाड़ा तो सर वो तो आपको फाइन देना होगा ना सर फिर तो, अगर तो या तो आप अपनी जेब से फाइन दोगे सर स्कूल को, क्योंकि सर समिति को तो आपको जिस टाइम पे आप कहीं भी यस ट्रांसफर होके जाओगे तो आपको पूरा का पूरा स्टॉक उन्हें देके जाना होता है सर। राइट, हाँ और वो वो भी भी उसी उसी ही लेवल पर। उसी लेवल पे, और जो भी सर अगला होगा वो ये कहेगा, क्योंकि बुक्स हैं, बुक्स का एक टाइम पीरियड होता है कि वो कंज्यूमिंग आइटम में चले जाते हैं, लेकिन उसका उस टाइम पीरियड से पहले ही बुक नहीं है तो आप किस टाइप से, आप अपनी जेब से फाइन दोगे सर फिर? नहीं ऐसा नहीं है, इसके लिए एक नहीं सर, प्रावधान है, थाउजेंड लाइब्रेरी रूल के अकॉर्डिंग सर बुक पे, रामकिशोर हाँ सर सही बता रहे हैं। थाउजेंड बुक पे वो 5 बुक जो है अगर चोरी भी हो गई ना तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं यस कि हम यस बच्चे सर, पे तुरंत फाइन लगा देंगे, लाइब्रेरी का ये रूल ऐसा नहीं है कि हम फाइनेंशियल अर्निंग पे आ जाए, ठीक है? तो उसको ओके समझा के ही बाकायदा बताया जाएगा कि ऐसी गलती ना करे, अगर फिर भी बच्चे गलती करते हैं इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट वाले बुक के पेज फाड़ दे रहे हैं तो फिर इसके लिए यही होगा कि आपको मल्टीपल कॉपी बनवा के रखना पड़ेगा, इसकी जीरोक्स कॉपी बनवा के रखना पड़ेगा ताकि फाड़ भी दे तो मतलब मेन कॉपी पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोनी पूजा मैम, मैम थैंक थैंक यू सर। जी, ये बताइए कि आप बच्चों को छंद कैसे पढ़ाएंगी? छंद प्रहलाद सर बताएं। नहीं, आप छंद के बारे में जानना चाह रहे हैं या कोई ऐसी पंक्तियां नहीं जैसे थोड़ा कि तो मान लीजिए कि आपको पुतली छंद किसे कहते हैं, जैसे कि टीजीटी लेवल मैं पे तो नहीं है लेकिन समझ आपसे पुतली, हाँ गया समझ गया समझ गया। देखिए, छंद ऐसा होता है जो कि पद्य का एक भाग होता है, पद्य के अंतर्गत में आता है। बेसिकली पद्य जो है छंद से ही बना, सारे पद्य छंद से ही बने होते हैं। उसमें कुछ चरण, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि लय हो गया, तुक हो गया, गति हो गई, यति हो गई, और गण हो गए। उसमें गण जिसमें 7 गण होते हैं, और इनकी इन सब के इन्हीं तत्वों से मिलकर के बनी हुई पंक्तियाँ को हम छंद कहते हैं। और छंद छंद के कई प्रकार होते हैं। एक तो मात्रात्मक होता है, दूसरा होता है वर्णनात्मक, यानी कि जिसमें मात्रों को ध्यान में रख करके जिसकी रचना की जाए, वह मात्रात्मक होता है, जिसमें वर्णों की को ध्यान में रख करके वर्ण किया उसकी रचना किया जाए। दोहा जो है कि वर्णनात्मक होता है, जिसमें दोहा है, चौपाई है, तो ये सब छंद के अंतर्गत में ही आते हैं। छंद के एक भेद होते हैं, बेसिकली छंद उसे कहते हैं जिसमें लय, गति, तुक और यति और गण का ध्यान दिया जाए, वही छंद होता है मुख्यतः। रामकिशोर जी सर, टाइप्स ऑफ कैटलॉग कितने होते हैं सर? टाइप्स ऑफ कैटलॉगिंग नहीं होता है, वो स्कीम का ये अलग अलग होता है कि मतलब जैसे ACR2 है तो वो अमेरिकन ओरिजिन का है, ट्रिपल सी तो बोलेंगे ऐसा तो अपने ऐसा इंडिया ऐसा ओरिजिन क्वेश्चन के नहीं, होते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकता सर कि टाइप्स ऑफ कैटलॉग बताएं, इस तरह से नहीं पूछ सकते सर। टाइप्स में उनके मेन एंट्री होते हैं, वो बोलेंगे कि उनके एंट्री कितने होते हैं, सेक्शन कितने होते हैं, तो ये सब पूछा जाता है। ये सीसी में भी मनोज सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एंट्री होती है सर। जी हाँ हाँ वही आपको सर, डिफेंस करना पड़ेगा। जी सर बताइए। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस दो बिटवीन समांतर टू, रेखाओं हाँ बताइए। रिकॉल नहीं हो इनफिनाइट पा रहा है रहती सर, है सर बताते हैं ना, लेकिन वो दे रही है जवाब आपको आदित्य। कितना परसेंट सही है? ही सेइंग गलत, इनफिनाइट। व्हाट इज द राइट आंसर? इनफाइनाइट हमारे पास नहीं है स्ट्रेट सर। लाइन है, हमारे ए पैरेलल लाइंस होती है ए
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन होगी हमारे पास ए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, तो डिस्टेंस होगी सी एंड अंडर रूट सॉरी मोड सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सही है सर, सही है, ओके सही है सर। हेलो हाँ हाँ मैम, भगत एक रेखा चित्र किसका है, किस कवि का है? मैम दो सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोले, नहीं सुन मैडम जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं पहले फिर विकास से पूछ लेंगे। क्या पूछिए, फिर से पूछिए, नहीं सुन पाई मैं। मैम बाल गोविंद भगत रेखा चित्र ये किस कवि का है, किस कवि ने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, व्यक्ति चित्र खींचा है उन्होंने, उसमें वो दिखाए हैं कि हमारी वाह्य वेशभूषा से ही, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी वाह्य वेशभूषा जैसा है, हमारी सोच भी वैसे ही है। ओके मैम नेक्स्ट। ठीक, कौन सी सेक्शन के अंदर आता है कि हम मिटाई नहीं कर सकते? जी पूछिए सर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कंप्यूटर? सर क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट और सर्वर वेयर द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अमंग द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी लाइव सर्वर पे रख देते हैं। अब लाइव सर्वर पे रखने का मतलब जैसे वेब होस्टिंग करना हो गया, तो उससे क्या हमारी इंफॉर्मेशन शेयर्ड हो जाती है अमंग मल्टीपल नेटवर्क में और मल्टीपल डिवाइसेस में, और इवन हम कई बार प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। वी कैन आल्सो शेयर द सर्विसेज। तीन तरह की क्लाउड कंप्यूटर होती है, एक होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिस पर हम क्या करते हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्लेटफॉर्म का यूज करके, जैसे हार्डवेयर का यूज कर लिया, उनका रैम यूज कर लिया, उनकी हार्ड डिस्क यूज कर ली और अपना डेटा रख दिया। दूसरा होता है एप्लीकेशन एज अ सर्विस, वहां पर क्या होगा कि एप्लीकेशन में जैसे हमें एमएस वर्ड चलाना है, ये टैली चलानी है, मेरे पास कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं उतना अच्छा, तो हम माइक्रोसॉफ्ट अजूरे में या फिर आपने अमेजन की सर्विसेज ले ली, तो वहाँ पे ऑनलाइन हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं, तो ऑनलाइन लॉग इन करके आप उन एप्लीकेशन को चला सकते हैं, तो एप्लीकेशन एज अ सर्विस हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई डेवलपमेंट करना, हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है, गूगल की एपीआई लगानी है, या फिर हमें सपोज करिए एसएमएस ओटीपी की एपीआई चाहिए, तो ये हमारे सिस्टम में पॉसिबल नहीं होती, तो इनका भी हम ऑनलाइन एक्सेस कर पाते हैं। तो ये तीनों तरह की सर्विसेस हमें मिलती हैं क्लाउड से। तो दिस इज द क्लाउड जी। जो चैट जीपीटी है वो एक एआई है, बट एआई अभी कहीं नहीं है, एआई ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट था, हमारी कार वगैरह में ऑलरेडी एआई सिस्टम थे, तो क्या अब चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत से एआई आए, बता सकते हो उसके बारे में? अब हर कंपनी कोशिश कर रही है सर। क्या है कि जो एआई का जो टर्मिनोलॉजी है ना, क्या कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी चीजों को हम एआई मान लेते हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट एआई। रोबोटिक्स देखिए, कई बार रोबोटिक्स को भी हम एआई मान लेते हैं, कई बार एक्सपोर्ट सिस्टम को भी हम एआई मान लेते हैं। तो अभी जो सिस्टम था कार में हुआ या फिर जिनने रोबोटिक्स देखे, एक्चुअली वो सबके एक्सपोर्ट सिस्टम होते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली एआई। एआई तब होगा व्हेन द मशीन बिकम लर्निंग बाय इटसेल्फ। जैसे हमने मशीन में कोई काम किया, अगली बार मशीन को हमें बताना ना पड़े, इंस्ट्रक्शन खुद करेगा। अब रोबोटिक्स वगैरह पे क्या होता है, जैसे कि कोई ऐसी मशीन बना दी कि जो कि हमारा जैसे दूध की पैकेटिंग कर रही है या सफाई का काम कर रही है, तो उनमें कोई खुद से नहीं सीखता, वो जैसा है वैसे काम करता रहेगा। एआई के केस में दूसरा होता है डेटाबेस, उनका खुद का डेटाबेस जो होता है वो हमेशा अपडेट होता रहता है, वो इंसानों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आई पी अगर हमने पूछा कि भाई मुझे इसका एक कविता बना के दिखाओ, अब रोबोटिक्स में क्या हो, कविता होगी तो बताएगा, लेकिन एआई खुद से कविता जनरेट कर सकता है, खुद से नए, अगर हमने कहा स्केच बनाओ कोई ऐसा भगवान का, तो खुद से जैसे हम लोग एआई से बनाते हैं खुद से, वैसे का वैसा बनाएगा वो। तो एआई ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया जो एआई कॉन्सेप्ट आ रहा है चैट जीपीटी, इससे क्या जॉब्स वाकई में हैम्पर हो रही है, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है? क्योंकि आज तक व्हाइट कॉलर जॉब्स कभी हैम्पर नहीं हुई, हमेशा हर काम से हर टेक्नोलॉजी से ब्लू कॉलर जॉब को इफेक्ट पड़ा है, अगर अब व्हाइट कॉलर जॉब को इफेक्ट पड़ा है, एग्री? हाँ, अब होगा सर, अगर एआई आता है तो उससे बहुत जरूर समस्याएं थोड़ी से तो आएंगी, क्योंकि वहां पर बहुत सारा मैन वर्क कम होगा, खासतौर पर वो वाला मैन वर्क कम होगा जो कि मेंटल वर्क जिसके लिए हम लगाते थे, कोडिंग के लिए बहुत सारे लोगों को हम लगाते थे, सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे सिस्टम लगाने पड़ते थे, उनको मॉनिटर करने के लिए लगाने पड़ते थे, तो ये जो मॉनिटरिंग का जो ज्यादातर काम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एआई आने से,
कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पुल है रेलवे का, कभी क्या होता है कि रेलवे की पटरियां अगर लगी हुई है तो हमेशा एक मैन पावर हमेशा उसे चेक करने में लगा रहता है। अब एआई होगा तो सीधे पॉइंट करके बताएगा कि हाँ ये पॉइंट सही है और इस पर्टिकुलर जगह पर ये प्रॉब्लम आने वाली है, आप वहां पे जाके करिए। बहुत बढ़िया। वेदर सिस्टम, इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम का हमारा काम खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सब एआई खुद ही बता देगा कि वेदर की सारी रिपोर्टें होंगी। अभी क्या होता है कि वेदर के लिए भी बहुत सारे मैन पावर लगे रहते हैं, एक्सपर्ट्स लगे रहते हैं, तो ये चीजें कम हो जाएंगी। बहुत तो ये तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ही। यस सोनी, ये विकास वाले सर से मेरा क्वेश्चन है। एक मिनट, एक मिनट दो, एक मिनट फ्रेंड्स। सोनी देखिए, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस में जॉब कर रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि ना सर गॉसिपिंग्स और वहां पर हमें जो पीयर प्रेशर है वो थोड़ा सा रहता है वहां पर। मींस आप ये मान लो, जिसे मैं सिंपल वर्ड में पॉलिटिक्स नहीं बोलते, स्कूल पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो उनको वो फेस करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, एक टीचर को ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए स्कूल में आपके अकॉर्डिंग, ताकि उसको अननेसेसरली पॉलिटिक्स, अननेसेसरली पीयर प्रेशर, अननेसेसरली जो गॉसिपिंग्स है उसका वो हिस्सा ना बन पाए और उसके ऊपर कुछ ब्लेम ना लगे, या जो भी आप बोलना चाहें प्लीज। कुछ तो देखिए, टीचर हैं तो अध्यापक हैं तो कुछ जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि ये हमसे पूछा जाएगा कि आपके क्लास के बच्चे हैं। अगर हम स्पेशली क्लास टीचर हैं तब भी हमको इसका ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंस बच्चे हैं, किशोर जो बच्चे हैं सर, वो किशोर बच्चे हैं। और ऐसे समय में बच्चे में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे समय में वो बहुत ज्यादा बिगड़ भी जाते हैं कि मतलब। मैडम बट माय क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट, कि आपका यहाँ पर पीयर प्रेशर मींस आपके जो साथ में जो टीचर्स है ना वो पॉलिटिक्स, वो मींस आप, हाँ दे ट्राई टू डिमोरलाइज यू, डिग्रेड यू। मतलब पीयर प्रेशर मतलब जो साथ के सर, इसके लिए तो जैसे कि मैंने शुरू से आज तक के मैं, मेरा जो अनुभव रहा है कि मैं बहुत सारी चीजों से दूर रहती हूँ, अपने आप को लिमिटेड मतलब जितना जरूरी है उतना ही इन्वॉल्व होती हूँ, बाकी मैं अपने आप को इतना अनुशासित रखती हूँ कि मुझे इन सारी चीजों से बचा जा सके। मतलब आप अपना एक बना के रखिए कि अपनी शालीनता, अपना अनुशासन, अपना व्यवहार उस क्षेत्र में मतलब उतना ही दूसरों को जगह दीजिए जितना कि जरूरी है। नहीं तो वैसे भी सर कलीग ही नहीं, कहीं भी समाज में भी आप देखेंगे कहीं भी कि लोग बहुत ज्यादा इंटरफियर करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो ये चीजें हमें अपने खुद से तय करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा हमें मतलब मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इन सब चीजों को झेलना पड़ सकता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए मेंटली हमें कुछ मेडिटेशन और योगा की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो अपनी जिम्मेदारियां हम खुद तय करेंगे कि हमें कहाँ इन्वॉल्व होना है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है आगे बढ़ने को लेके, क्लास को लेके, या उनकी राजनीति क्या है, मेरी क्या है। पर बहुत से टीचर्स होते हैं जो इससे ना एंजाइटी में आ जाती है, वो मींस यस सर, सर यस आई कैन अंडरस्टैंड। यस यस, अब जॉब अच्छी है वो उसको छोड़ भी नहीं सकते, नहीं नहीं उसको छोड़ नहीं सकते। प्रेशर है जो सैलरी है वो घर वाले सोच रहे हैं बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, वो उनका प्रेशर रहता है, अब वो एंजाइटी में आ गए, तो वो ना आए उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आपने एक पॉइंट बताया बहुत अच्छा, कुछ और सर उनके लिए? उसके लिए उनको मेडिटेशन योगा, अपने आप को जरूरत है अपने आप को फिट रखने के लिए, इन सब सारी चीजों से बचने के लिए, ताकि हम मेंटली इतने मजबूत रहें। नहीं तो अगर 2-3-4-8-10 एक महीने बाद थोड़ा थोड़ा तो असर पड़ता है, पर हमें उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई ऐड करना चाहेगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मेरे केवीएस में जॉब करने वाले बच्चे जरूर देखेंगे। मैं उनको ये जरूर प्रेफर करूंगा कि ये वर्डिंग सोनी मैडम के जरूर देखें। आप में से कोई ऐड करना चाहेगा इसके अंदर कि उनको क्या करना चाहिए? कल आप भी ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं, एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग? सर इसमें मैं थोड़ा सा, सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। बहुत बढ़िया सर, इसमें हम अपने आप को अच्छे से, मैम ने बोला जैसे मेडिटेशन योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा अगर कोई नहीं कर पाता तो वो अपने आप को अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है जो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया होती हैं। ऑनलाइन गेम्स भी होते हैं या अदर क्विज होती हैं, कोई भी अदर एक्टिविटीज कर सकता है। किसी को मेडिटेशन योगा नहीं कर पा रहा तो वो अपने आप को अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से डेवलप करे उन स्कूल में रहकर ही, विद इन स्कूल भी वो अपने आप को मैनेज कर सकता है कि वो पूरा टाइम इस चीज पर अगर फोकस करेगा। अगर मान लिया सभी से अच्छी बॉन्डिंग है,
फर्स्ट प्रस्पेक्टिव यही होता है कि हमारी वहां पर दूसरे कलीग के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस चीज को हम पॉसिबल करने के लिए सभी के साथ लिमिटेड इन्वॉल्व रहे, मैम ने बोल दी ये बात, लेकिन प्लस उनको ऐसा भी ना लगे कि हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज में बिजी रखना है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि इसके अंदर ईगो है। राइट राइट, बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कन्वे कर रहे हैं, सर वी हैव टू फेस लॉट मेनी टेंट्रम्स, मींस बॉस से लोग उनको टेंट्रम्स दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट्स कह रहे हैं जो उनको, मतलब उनमें वो कमियां है नहीं पर उनको सुनने को मिलती है कई बार, और ये पॉलिटिक्स की वजह से उनके सीनियर्स जो है वो भी उनके अगेंस्ट में सपोर्टिव हो जाते हैं, उनके सपोर्ट में नहीं रहते, तो सच थिंग्स दे हैव टू फेस। सर ऐसा हर क्षेत्र में होता है, तो उसके लिए हमें मतलब वही बात है कि हमें खुद को तैयार रखना है, अपनी अपनी चीजें, मतलब हमें स्टूडेंट्स के साथ कैसे रहना है, क्या कराना है, अपनी जिम ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, पर अगर आप में प्रतिभा है और सब कुछ है तो फिर आपको आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये सारी चीजें कुछ समय तक के लिए होती हैं, जब आप उन सब चीजों से धीरे धीरे खुद को अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो एक समय बाद आपको खुद ही लगता है कि अरे ये लोग तो बस ऐसे ही है, तो इन सब चीजों से। जी बहुत बढ़िया सर, मेरा समांतर रेखा का समीकरण निकालना चाहते हैं अपन, तो कैसे निकालेंगे समांतर रेखा का समीकरण, कैसे निकालेंगे समांतर रेखा का समीकरण, तो नहीं तो सर, तो सर इसके इसके समांतर दूसरी रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, इसके समांतर और रेखा है तो उसका समीकरण अपन को निकालना है, कैसे निकालेंगे इसके 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 समांतर रेखा ax plus by plus lambda equal to 0। जी सर, और सर लंबर लंबर रेखा का समीकरण निकालना हो तो लंबत के लिए क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट बराबर चेंज कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे, यानी bx minus ay plus lambda equal to 0। ठीक है सर, और एक क्वेश्चन आपसे सर, एक क्वेश्चन आपको बताना सर, टाइम पीरियड बताना, टाइम पीरियड आपको बताना साइन की पावर 2023, यानी साइन की पावर 2023 का टाइम पीरियड बताना आपको, 2023 का टाइम पीरियड बताना साइन की पावर 2023 का टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन समझ लेना, टाइम पीरियड बताना आपको साइन की पावर 2023, नहीं बता दी, ये होता t इक्वल टू 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई, रीजन बता दो, रीजन t इक्वल जैसे हमारे पास जो जैसे हमारे पास साइन के इवन पावर्स होगी तो उसका जो टाइम पीरियड होता है साइन टेन और कोट का, तो t इक्वल टू इवन होगी तो पावर हमारे पास होगा 2 पाई, अगर ओड हो गया सॉरी पाई होगा, अगर ओड हो गया हमारे पास पावर तो उसका होगा 2 पाई, और कोई भी हाँ जी बोलिए बोलिए शाबाश, कुछ बताना जी सर, वो कल आप सर परसों आपने वो पूछा था सर, मतलब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कि सर मतलब प्रोबेबिलिटी की मतलब असंभव संभावना कौन सी है, आपने क्या बताया 0 बताया था सर, हाँ जी 0 बताया, इंपॉसिबल इवेंट्स, यस कम ऑन पूजा मैम, मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप तो सर प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है ना, दो चार बच्चे मोबाइल ला रहे हैं स्कूल में और खेल रहे हैं तो आपका क्या वो रहेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा जो बच्चे मोबाइल ना लेके आए स्कूल? सर सबसे पहले तो क्लास में स्कूल में मतलब विद्यालय में स्कूल में आप मोबाइल लाने की परमिशन नहीं होती है, हम पहले बच्चों को बोलेंगे कि आप इस तरह से मोबाइल नहीं ला सकते हो, ये स्कूल में बिल्कुल परमिशन नहीं, आप छुपा के लेके आ रहे हो, ऊपर से अगर आप बच्चों को डिस्टर्ब भी कर मतलब इससे डिस्टर्ब भी होता है, आपका पढ़ने में ध्यान भी नहीं जाता है, तो इन सारी चीजें उनको बता करके उनसे बोलेंगे कि मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और इससे पूरी क्लास में डिस्टर्ब हो रही है तो इस तरह उनको रोकेंगे। मैम आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि आप हमारा जो बच्चा है वो घर पे जाके सर मोबाइल का पूरा पूर्ण से यूज करता रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाता, तो मैम आप किस टाइप से बच्चे को समझाओगे कि हाँ बच्चा मोबाइल का घर पे जाके यूज कम करे और अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे, और क्या कहते हैं एक और सिचुएशन है मैम इसी के अंदर कि बच्चा पेरेंट्स से तो बोलता है कि मम्मी पापा मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन वो पढ़ाई के वजह रील्स या अदर वीडियोस देखता रहता है, तो आप किस टाइप से समझाओगे मैम? पूजा मैम आपसे सबसे पहले तो मैं हेलो जी मैम,
आ रही आवाज सर सबसे पहले तो बोलिए पूजा। जी सर सबसे पहले तो अगर बच्चा होमवर्क कर रहा है, बच्चा झूठ बोल के मोबाइल लेके जा रहा है, तो थोड़ा ये तो नहीं है कि मतलब होमवर्क तुरंत हो जाएगा। तो माँ बाप को थोड़ा चेक भी करना चाहिए कि बच्चा सच में होमवर्क कर रहा है या होमवर्क मिला ही नहीं है। मोबाइल में कौन सा होमवर्क कर रहा है? होमवर्क अपन स्कूल से भी करके लेके आते हैं, स्कूल से तो आप नोटबुक में करते हैं। अगर फिर भी बच्चा बोल रहा है कि मुझे मैं मम्मी पापा उसकी हेल्प चाहिए मोबाइल की, तो ठीक है थोड़े टाइम तो हो गया, तो मैं बीच बीच चेक करते रहना चाहिए। और साथ में माँ बाप को भी बच्चों के सामने कम मोबाइल यूज करना चाहिए घर पे, जिससे बच्चे पे उसका ज्यादा इफेक्ट ना हो। और बच्चे को एक टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए कि इतने टाइम आपको मोबाइल देखना है, इससे ज्यादा मोबाइल यूज ही नहीं करना है। तो इस तरह से बच्चे को हम रोक सकते हैं। मैम हमें बच्चे को मतलब कि ये बताना है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक मोबाइल देखना है, मतलब कि हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। नहीं नहीं, सर टाइम बच्चे को टाइम टाइम लिमिटेड करिए उसके लिए कि आप इतने ही देर देखेंगे, मोबाइल के देखेगा लिए पूरी तरीके से आप नहीं मैम, हटा ये सकते तो एक धीरे मैम धीरे। बैड हैबिट हो जाएगी ना मैम। आप नहीं बैड नहीं हैबिट बैड अगर हैबिट बच्चे को, नहीं है, आजकल नहीं बच्चे मैम होते आप हैं मोबाइल के बहुत। प्रति, आप एक बच्चे को आप मोबाइल के प्रति सलाह दे रहे हो कि आप आप मोबाइल अगर का पूरी टाइम तरह पीरियड से बनाए, नहीं, आप उस टाइम में आप बच्चे को अगर कह आप सकते हो, बोले कि हाँ आप टीवी, हम कह सकते हो कि बच्चे ठीक है वो को मोबाइल होमवर्क पे ना देने को देख के टीवी जाएंगे पे आप। देख के। जी सर 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 जो रुकिए, यूज आंसर दे करने देते हैं का सर। पर्पस होना चाहिए कि अगर हाँ मोबाइल दिया जा रहा है तो उसका यूज यस क्या सर है, सर पर्पस क्या सर है पूरी तरह उसका। से तरीके से नहीं अगर आप बंद कर देंगे तो फिर बच्चा चोरी से देखेगा, इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ी देर के लिए उसको दे सकते हैं, है बिल्कुल ना। बिल्कुल मैम, और बिल्कुल मैम, उस हाँ बात से आपकी सहमत, लेकिन मैम हम बच्चे का टाइम पीरियड नहीं बांध सकते ना कि हाँ आपको इस टाइम से इस टाइम तक आपको मोबाइल का यूज करना है, वो नहीं कर सकते ना मैम। आप बच्चे को तो सपोज करो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपको अभी पढ़ते तो पढ़ते सर आपको हम बीच ज्यादा में नहीं गिरा बोल है। सकते घंटा नहीं, यस तो मैम आप एकदम ये नहीं कहिए कि आप 2 से 4 बजे तक ही देखना है आपको, उसका टाइम देखिए, बदल दीजिए ना, बदल बदल के दीजिए, नहीं तो आपको बच्चे ये की करना फिर पड़ेगा। खराब नहीं आ मैम, जाएगी। आपको लाइट आ नहीं रही है मैम सर, इसी में आपको दिखाता हूँ एक चीज, फिर आप थोड़ा स्माइल भी कर लेंगे और आज की क्लास भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। देखिए ये मदर है, चलो चल नहीं रहा, चला, हाँ ये देखिए यस सर ये मदर है, ये बच्चे, उनके पहले मोबाइल रखो, उसके बाद प्लेट में खाना हाँ लो, उसके बाद जाओ, दूसरा वो चल मोबाइल रहा है दो, सर। खाना दीजिए। अब हस्बैंड थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक हाँ वो रखा ज्यादा एक और उसने भी रखता थोड़ा सा दे दिया है। यस इज इट गुड, हाँ ये सही है ओके सर। तो आप ये हाँ फॉर्मूला वगैरह कुछ अपना सकते हैं, बहुत क्रिएटिविटी है दुनिया में। सारे लोग जी सर जी मेरा सर एक बहुत क्वेश्चन है बहुत सर, अच्छा है सर। लाइब्रेरी पीरियड में सर मेरा कोई बात नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे सर? रामकिशोर सर बात नहीं क्यों मानने का रामकिशोर चीज सर, क्या करता हूँ वाई मैं? नॉट उज्ज्वल और किरण नहीं आई क्या? यस सर बाकी उज्जवल लोगों सर, से यस क्यों नहीं सर पूछते उज्जवल तुम? सर। हमेशा रामकिशोर को क्यों तंग करते हो? रामकिशोर सर, उज्ज्वल को भी चांस दो। सर हाँ किशोर एक तुम अच्छे सर बोल रहे सर हो, मगर सर मैं चाहता राम हूँ सबको थोड़ा 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 मौका मिले, इसलिए बोल रहा हूँ। उज्ज्वल आप ट्राई कीजिए यस इनके सर लिए, और रामकिशोर राम आप भी क्वेश्चन पूरा नहीं सर पूछ रहे हो। मैं हाँ जी उज्ज्वल बोलिए, उज्ज्वल आप म्यूट हैं। नहीं सर रामकिशोर सर से मेरा एक क्वेश्चन था सर। ये पहले बताइए पहले स्कूल आदित्य लाइब्रेरी के में सर क्वेश्चन का जवाब देने दो, चलो रामकिशोर आप दे दो। आंसर दे दूंगा सर, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, वो मैं आंसर दे दूंगा सर, उसका अच्छा बेस्ट अच्छा आंसर दे दूंगा सर अच्छा आपको। अच्छा ओके। रामकिशोर सर ये बताइए स्कूल लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर का क्या काम है सर? सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का जी बेसिकली जी वही सर, जो ऑटोमेटेड सिस्टम में जा रहे हैं, मैनुअल सिस्टम से ऑटोमेटेड सिस्टम में, चाहे सर्कुलेशन करना हो, चाहे सीरियल कंट्रोल करना हो, चाहे रिपोर्ट्स जनरेट करना हो, बेसिकली सॉफ्टवेयर का इसी में यूज होगा। ओके ओके सर। चलिए आप बोलिए नेक्स्ट, आदित्य सर, आपका क्वेश्चन क्या था सर? थोड़ा जल्दी प्लीज आदित्य। मेरा क्वेश्चन था कि लाइब्रेरी पीरियड में कोई बच्चा मेरा बात नहीं मान रहा है तो हम क्या करेंगे सर? सर लाइब्रेरी पीरियड में यदि आपका बच्चा यदि बात नहीं मान रहा है, सबसे पहले तो आप लाइब्रेरी रूल के अकॉर्डिंग सर आप समझा सकते हैं आखिरकार कैसी बात नहीं मान रहा है सर। ये तो उस बच्चे पर निर्भर करता है आपकी कौन सी बात नहीं मान रहा है, थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे। जैसे सर मान के चलिए कि हम कुछ बोल रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं इस टाइप से, नहीं सर ये तो तो क्या आपका लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन रूल फॉलो के, नहीं कर यस रहा है क्या सर सर? जैसे यार सर मान के चलिए 10 तुम बच्चा मान आए सर, लीजिए कुछ कोई भी कुछ बात नहीं कुछ मान रहा, आप बच्चे को कोई सर एक हम एग्जांपल बुक दे दे रहे सकते हैं हैं? सर और मैं कोई जैसे कि बात बच्चे को मेरा बोल नहीं रहा है मान रहा साइकिल तो लाइब्रेरी में उसके लिए बैठे हुए हम क्या बच्चे हैं सर, करेंगे सर? क्या लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हुए सर? हैं सर, का जैसा क्वेश्चन था मैं सर के क्वेश्चन को ही आगे बढ़ा रहा, बच्चे बैठे हुए लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में क्या रहना होता है? पिन ड्रॉप साइलेंस रहना होता है सर, लेकिन बच्चे आवाज कर रहे हैं, आवाज भी ऐसी नहीं कर रहे कि बच्चे की आवाज आपको आ रही, बच्चा इस टाइप की आवाज कर रहा या पेपर्स की आवाज कर रहा जानबूझ के कि जिससे कि दूसरे बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा, इस टाइप में क्या करेंगे सर फिर?
सर उस बच्चे को समझा सकते हैं सर, पर्सनली जाके उसके नहीं पास सर, भी आपको तो पढ़ूंगी पता ही नहीं लग रहा ना कि बच्चा और बोल रहे हैं सर। बोलूंगी सर। तो देखिए अच्छा लाइब्रेरी ठीक में तो सभी लोग बैठे होंगे सर, तो मैं उसका सर्कुलेशन मैं उसका वो कर सकता हूँ, घूम के देख सकता हूँ ना सर। अगर पता नहीं चल तो उस तरह से पता चलेगा ना सर। मैं घूम के देखूंगा कि कौन सा बच्चा ऐसा कर रहा है, क्योंकि सभी एक डेस्क में बैठे होते हैं, एक सीरियल लाइन से बैठे होते हैं, जब आपको क्योंकि कुछ टीचर दिनों भी सर तो देख लेगा तो वो साइलेंट हो जाएंगे, फिर आप जाइएगा फिर करने लगेंगे। ओके नाउ आप इट्स बेस्ट दीजिए प्लीज सर प्लीज इसका, प्लीज बहुत पूरे टाइम हो गया ग्रुप में जो समय, है उसको प्लीज रामकिशोर प्रिपरेशन जी करना कल पड़ेगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करेंगे। यस अब सुनिए मेरी बात, यस देखिए जब हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लास करते हैं ना तो आप लोग भी प्लीज क्वेश्चंस लेकर आया करो, सभी निधि योगिता बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं तो प्लीज आप भी अपने क्वेश्चंस लेकर आया करो अच्छे अच्छे नई नई बात सोचा करो कि यार अगर ऐसा हो तो, क्योंकि इंटरव्यूअर भी तो इंसान है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि रोबोटिक्स है कुछ स्पेशल है, वो भी आपकी तरह ही है, तो आप अपनी लाइफ से रिलेटेड भी कोई बात सोचकर यहाँ दे दिया करो क्वेश्चन, फिर देखा करो